हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भी आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुपद, और बहुपद की ये फर्स्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1। देखो इस प्रश्नावली में मैं केवल एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोग जो प्रश्नावली 2.1 है इसके सारे के सारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल के क्वेश्चन, और उसके साथ साथ प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन मात्र 5 मिनट के अंदर कर जाओगे। लेकिन चूंकि इस प्रश्नावली से हम लोग बहुपद शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या बहुपद में केवल प्रश्नावली को ऐसे खत्म कर देना ही सफिशियंट है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं यार, हम लोग बहुपद की शुरुआत कर रहे हैं, तो बहुपद के बारे में हम लोग डिटेल्ड में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की पहचान कैसे करें, एक घातीय बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद या फिर त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, पद क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होती है, कि तीनों में हम लोग डिफरेंस कैसे करें, कैसे पहचाने कि कौन बीजीय व्यंजक है, कौन बहुपद है, ठीक है, या फिर कौन समीकरण है, ये सारी चीजें। उसके अलावा बहुपद की घात समझेंगे, अक्सर आप लोग एग्जाम में बहुपद की घात से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ओके यार, चलो हम लोग बहुपद पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन चलो सबसे पहले ये प्रश्नावली 2.1 ना मतलब काफी नॉर्मल है, तो इसको मैं पहले सॉल्व ही करा देता हूँ, उसके बाद मैं बहुपद के सारे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा 5 मिनट के अंदर। इस पूरी की पूरी प्रश्नावली को चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उदाहरण सहित। देखो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ। देखो ये प्रश्नावली 2.1 के सारे ये एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालना, उसमें उदाहरण फर्स्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि मतलब ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या। ये शून्यक क्या होते हैं? शून्य को हम लोग मूल भी बोलते हैं। किसी भी बहुपद को हल करने के बाद उसके जो हल आते हैं, ठीक है, उन्हीं को शून्यक कहा जाता है या मूल कहा जाता है, ठीक है। तो हमें प्रश्नावली 2.1 में ऐसा ही केवल सवाल दिया है, ये ग्राफ दे दिया है, और इसमें पहचानना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। काफी आसान है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे पहचानोगे। देखो ग्राफ में आप जानते हो कि एक एक्स एक्सिस होता है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये वाला एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये आपका ऊपर से नीचे वाई अक्ष होता है, ठीक है। इसमें देखो शून्यकों की संख्या कैसे पहचानोगे, कोई कर्व या कोई लाइन, एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष ध्यान रखना, केवल एक्स अक्ष को जितनी बार काटे या उसको केवल छू भी दे तो उसके शून्य उतने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये कर्व यानी ये लाइन जा रही है, ठीक है, और एक्स अक्ष को कितनी बार, यहाँ दो बार टच करी, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन ये वाई अक्ष है तो वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं, एक्स अक्ष को यहाँ एक बार टच करिए, इसलिए इसका केवल एक शून्यक होगा। और यहाँ देखो ये कर्व जो जा रहा है ऐसे जा रहा है, और यहाँ एक बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है और ये एक बार यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, तो इसके दो शून्यक होंगे। सिंपल, बस ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये मतलब दे देगा फिगर और आपको कहेगा कि शून्यकों की संख्या है और चार ऑप्शन दे देगा, ठीक। ये वाई अक्ष पर भी एक बार यहाँ पे मतलब टच कर रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों से केवल मतलब है, एक्स अक्ष को करो या फिर कोई लाइन जितनी बार टच करे या कट करे उतने उसके शून्य होंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो ये जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से एक बार और फिर यहाँ दो बार और तीन बार एक्स अक्ष पे कट कर रहा है, इसलिए इसके तीन शून्य हो गए। सिंपल, इसी प्रकार देखो ये उदाहरण के क्वेश्चन है, उदाहरण का चौथा ये क्वेश्चन, पहले में मतलब उदाहरण फर्स्ट में ये 6 प्रश्न दिए हुए, तो इसमें देखो ये लाइन जा रही है, लाइन ये वाई अक्ष है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे ये वाई अक्ष होता है, तो वाई अक्ष पे कट करे तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये आपका एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे एक यानी एक शून्य क्या है, एक शून्य है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, आकर यहाँ से टच कर निकल जा रहा है, ध्यान देना क्या कर रहा है, यहाँ पे आकर और टच करके निकल जा रहा है। तो देखो अगर टच कर निकल जाए तो उसके एक शून्य होंगे। सिंपल, देखो ऐसे यहाँ पे देखो ऐसे आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं एक ही जगह तो टच कर यहाँ निकल रहा होगा, तो इस एक शून्य, ठीक है, क्या है, एक शून्य, और एक्स अक्ष को टच कर रहा है, वही यहाँ पे वाई अक्ष को टच करता तो कोई शून्य नहीं होता, ठीक है। केवल एक्स अक्ष पे आपको देखना है कि इस लाइन पे जो कर्व है या कोई लाइन है कितनी बार टच कर रही है या कट कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे आकर यहाँ पे एक बार कट हो जा रहा है, यहाँ पे आकर यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे देखो ऐसे आकर यहाँ पे एक बार, और फिर एक यहाँ पे, यानी चार बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है, तो इसलिए इसके चार शून्यक हो जाएंगे। कितने? चार शून्य। तो ये उदाहरण के सारे के सारे छह इसमें प्रश्न थे, छह के छह प्रश्न हो गए। अब चलो प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो प्रश्नावली में क्या है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, एक्स अक्ष है ये, एक्स अक्ष को कोई भी लाइन या कोई भी कर्व टच नहीं कर रही है, तो इसके मतलब जीरो शून्य हो गए। ठीक है, यहाँ पे वाई अक्ष को ये कट कर रहा है, लेकिन इससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जीरो आपके क्या हो गए? शून्य हो गए। ठीक, यहाँ पे देखो ये कर्व जा रही है, ये वाई अक्ष को यहाँ पे टच कर रही है, और यहाँ पे जाकर देखो एक बार एक्स अक्ष को टच कर रही है, तो एक्स अक्ष को एक बार टच कर रही है, तो एक इसका शून्य। इसी प्रकार देखो यहाँ कर्व ऐसे जा रही है, ऐसे जाकर ऐसे निकल जा रही है, तो एक बार यहाँ कट रही है, कट एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसका अब तीन शून्य हो गए। ठीक है, आगे देखो ये देखो ये कर्व देखो एक अक्ष को दो बार यहाँ पे कर रहा है, टच कर लो या कट कर रही है। ठीक है, तो दो शून्य हो गए। यहाँ पे देखो एक दो ठीक है तीन और चार बार कट कर रही है एक्स अक्ष को, तो चार शून्य हो गए। यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे देखो टच कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक ही गिनोगे। ठीक है, और यहां से आकर फिर यहाँ एक बार टच कर रहे, तो ये एक और ये एक, तीन बार, तो इसके आपके तीन शून्य हो जाएंगे। सिंपल। तो ये आपकी प्रश्नावली 2.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 यानी बहुपद की फर्स्ट प्रश्नावली के सारे का सारे उदाहरण के क्वेश्चन और आपके प्रश्नावली के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिंपल। अब चलो थोड़ा हम लोग बहुपद की भाई शुरुआत करें, तो बहुपद के बारे में थोड़ा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, कि बहुपद क्या होता है या इसकी घात क्या होती है, एक मतलब रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग का बहुपद आता है, तो बहुपद होता क्या है, लेकिन बहुपद को पढ़ने से पहले जानने से पहले हम लोग थोड़ा पद के बारे में जान लेते हैं। पद के बारे में जानते हैं, पद क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा जैसे 2x हो गया, या फिर आपका 2xy हो गया, या 3xy हो गया, ठीक है, या 3y हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके पद है। अब कहोगे कि पद क्या होता है, तो चर और अचर राशियों का जो गुणनफल होता है वही आपका देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि चर और अचर अचर राशियों का गुणनफल ही पद कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो 2 और x, ये अलग अलग, एक चर है एक अचर है, तो चर और अचर जो राशियां हैं इनका जो गुणनफल होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आपका पद कहलाता है। सिंपल। ठीक है, तो पद के बारे में आप समझ गए कि पद क्या होता है। अब इसमें आपके चर आ गया और अचर आ गया, तो चर क्या होता है, चर राशियां क्या होती है भाई, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखो जो ए बी सी या एक डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं, चर होते हैं, यानी जो अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, जिनका मान बदलता नहीं, जिनका मान मतलब बदलता रहता है, इसका मान बदलता रहता है। ठीक है, और जिनका मान बदलता नहीं है, जैसे संख्याएं 1 2 3 4, ये आपकी क्या हो गई, अचर राशियां हो गई, ये आपकी अचर राशियां और ये आपके चर हो गए। सिंपल। तो चर और अचर भी आप समझ गए, पद भी समझ गए, ये 2x या 2xy, 3xy, 3y, ये क्या हो गए, आपके पद हो गए। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि व्यंजक क्या होता है और आपका बहुपद क्या होता है इसके बारे में। एक आपका व्यंजक हो गया और एक आपका बहुपद हो गया। ठीक है, देखो जो हम लोगों ने अभी देखा पद, जो पद देखा, तो जैसे हम 2xy या फिर y हो गया, 2y हो गया या फिर y हो गया, देखो इसमें भी गुणा है, आगे एक है, तो y भी एक पद है। ठीक है, तो इन सब का अगर हम लोग योग या घटाव करते हैं, योग या घटाव, तो वही पद होता है, सॉरी व्यंजक होता है। जैसे मैं 2x में y को जोड़ दूं, तो यह क्या है, यह एक पद है, यह एक पद है। या फिर मैं 2xy में मैं कोई दूसरा पद जैसे 2 जोड़ दूं, फिर इसमें 3 जोड़ दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये पदों का योग, यानी ये व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पद मैं बोला, माफ करना, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, यानी कम से कम 2 पदों का योग जो होगा वो व्यंजक होगा। ये आपका क्या है, एक व्यंजक है, ये भी क्या है, आपका व्यंजक है। ठीक है, आपको होगा कि बहुपद क्या होता है, तो बहुपद जैसे मैं यहाँ लिख दूं 2x + y, यह क्या है,
यह व्यंजक भी है और एक बहुपद भी है, यही ठीक है। चर और अचर राशियों का जो जोड़ घटाव होता है ठीक है, वही क्या होता है, बहुपद होता है ठीक है। तो यहां पे देखो, लेकिन लेकिन बहुपद और व्यंजक में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि देखो, जो व्यंजक होता है ना, व्यंजक में मतलब आपकी अपरिमेय भी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे मैं रूट में तीन लिख दूं, रूट में तीन एक्स प्लस वाई, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका व्यंजक हो जाएगा, ये भी आपका व्यंजक हो जाएगा। लेकिन बहुपद, ये रूट आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा ठीक है। तो माइनर सा डिफरेंस है बहुपद में और व्यंजक में, सिंपल ठीक है। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे प्रत्येक प्रत्येक जो बहुपद होता है ना, प्रत्येक बहुपद व्यंजक होता है, व्यंजक होता है ठीक है। लेकिन लेकिन प्रत्येक व्यंजक बहुपद बहुपद नहीं होता, समझ गए ना, क्लियर है। चलो तो अब देखो, इसमें थोड़ा मैंने यहां पे आई थिंक साड़ी, देखो यहां पे साड़ी लिया, इस साड़ी के माध्यम से समझते हैं कि बहुपद व्यंजक और समीकरण में क्या मतलब डिफरेंस होता है। देखो मैं लिखा हूं यहां पे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो यह एक बहुपद भी है, यह क्या है, बहुपद भी है और व्यंजक भी है। व्यंजक क्यों है, क्योंकि कई पदों का ये योग यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है, तो व्यंजक हो गया। बहुपद क्यों है, बहुपद में यही होता है कि मतलब कई सारे पदों का जो योग, यानी वही योग या घटाव होता है, वही बहुपद होता है। लेकिन इसके अलावा बहुपद की और कुछ शर्तें होती हैं, जैसे जो चर होता है उसका घातांक आपका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। जैसे एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का घात दो होना चाहिए ठीक है, या तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए। एक्स का घात यहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर एक्स का घात यहाँ बट्टे में नहीं होना चाहिए, हालांकि बहु व्यंजक में वो हो सकता है ठीक है, समझ गए बात को। तो बहुपद और व्यंजक में ही थोड़ा सा अंतर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ये आपका बहुपद भी है और यह व्यंजक भी है। यहाँ पे देखो, व्यंजक में एक्स घात एक बटा दो प्लस दो एक्स प्लस तीन, यह क्या है, यह देखो घात यहाँ पे आपकी बट्टे में आ गई, तो बट्टे में आ गई तो यह बहुपद नहीं होगा ठीक है, बहुपद नहीं होगा, हालांकि व्यंजक होगा। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या निकला कि भाई व्यंजक तो सारी चीजें हैं लेकिन बहुपद उसमें से कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो बहुपद, प्रत्येक बहुपद व्यंजक होता है ठीक है, कोई भी बहुपद हो गया वो व्यंजक होगा ठीक है, लेकिन प्रत्येक जो व्यंजक होगा वो बहुपद नहीं होगा, ये हम लोग कह सकते हैं ठीक है। चलो, और समीकरण क्या होती है, वही जो बहुपद टाइप का लिखा हुआ है या व्यंजक टाइप का लिखा हुआ है उसके आगे आप जीरो लगा दो, बराबर में जीरो कर दो, तो ये आपका समीकरण हो जाता है। जैसे जैसे 2x प्लस वाई, यह एक आपका व्यंजक भी है और बहुपद भी है, और बराबर में जीरो कर दो तो यह आपका समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं कि 2x प्लस वाई, तो यह आपका बहुपद भी है, बहुपद भी है, क्योंकि यहाँ देखो घात में कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो घात एक पूर्ण संख्या के रूप में है ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि यह बहुपद है ठीक है। और यह एक व्यंजक भी है, यह एक व्यंजक भी है ठीक है, क्योंकि दो पदों का यहाँ पे योग है इसमें ठीक है। और यह समीकरण कब क्या कब होगा, जब दो एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग जीरो कर देंगे तो यह आपका समीकरण हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप बहुपद व्यंजक और समीकरण में अंतर को अच्छे से समझ गए होंगे। और पद क्या होता है, पद आप जानते ही हो, जैसे चर और अचर राशियों का गुणनफल, जैसे 2x हो गया या फिर 2xy हो गया, ये आपके क्या हैं, पद हैं ठीक है, ये आपके पद हैं, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग, बहुपद हो गया, तो बहुपद की पहचान कैसे करें भाई। बहुपद और व्यंजक दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुपद के लिए कुछ शर्त है और व्यंजक के लिए कोई भी शर्त नहीं है, कुछ भी लिख दो, पदों का योग कर दो या घटाव कर दो, वो आपका व्यंजक हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं कि रूट में दो एक्स प्लस वाई प्लस तीन, तो ये आपका व्यंजक हो जाएगा ठीक है, ये व्यंजक हो जाएगा ठीक है, पूरा रूट में दो एक्स है ठीक है, लेकिन यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये रूट में एक्स है, और रूट में एक्स है तो ये बाहर भाई निकलेगा तो x घात वन बाई टू हो जाएगा ठीक है, रूट से बाहर निकलता है तो वन बाई टू हो जाता है घात में ठीक है, तो ये आपका इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद में और व्यंजक में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए चलो हम लोग बहुपद की पहचान करने की कुछ चीजें जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले
और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक मिनट यहाँ पे देखो। जैसा कि बहुपद का नाम ही है, बहुपद इसका आप अलग अलग करोगे तो बहु प्लस पद, यानी क्या बहुत माने बहुत सारे, पद मीन्स पदों का योगफल या जोड़ या घटाव ही बहुपद होता है। तो जैसे 2x एक पद हो गया और कोई एक और पद ले लेते हैं प्लस 3, तो कम से कम दो पद रहने चाहिए बहुपद में। देखो एक पद और दो पद, कम से कम दो पद रहने चाहिए, ठीक है। आगे आप जितना भी ले लो, तो यह क्या है, एक बहुपद है, लेकिन इसकी कुछ और भी शर्तें हैं, ठीक है। चलो लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ, आप बताना थोड़ा इसमें 3x स्क्वायर, क्योंकि अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसमें मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं भाई ये बताओ पहले। दूसरा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि कुल चर पद कितने हैं, कुल चर पद कितने हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि कुल अचर पद, कुल अचर पद कितने हैं, अचर पद। और पहला दूसरा तीसरा और चौथा बहुपद की घात क्या है। ओके बहुपद की घात तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन चलो यहीं पे आपको बता देता हूं, बहुपद की घात कितनी है। इन चारों का आप आंसर दो, तब तक एक मिनट मैं देख लेता हूं कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है ना वीडियो की। एक मिनट यार, चलो थोड़ा पानी भी पी लेता हूं मैं, उसके बाद इसका आंसर दो तब तक आप कमेंट बॉक्स में, उसके बाद फिर से मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके चलो देखो यहाँ पे मैं ये चीजें क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में देखा गया ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे चीजों को पूछा हूं, ठीक है। तो इसका आप आंसर दो मेरे भाई। देखो यहाँ पे इसमें इसमें इसको हम लोग, ये देखो ये आपका एक व्यंजक भी है और ये आपका बहुपद भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ चर का घात, ठीक है, बहुपद की पहचान यही होती है कि जो चर का घात, यानी चर क्या होता है, जैसे x ये चर, इसमें चर राशि है, यहाँ पे भी x है तो ये चर राशि है। चर मीन्स मतलब जो आपके मतलब जैसे चर मीन्स ABCD हो गया, XYZ हो गया, ये आपके चर हो जाएंगे, ठीक है। और अचर क्या होंगे, अचर यानी जो कांस्टेंट, जैसे 1, 2, 3 यानी जो संख्याएं होंगी वो आपकी अचर होती हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखो जो चर है x और यहाँ पे x, इसका घात यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या के रूप में, यहाँ घात कुछ नहीं है मतलब एक है, तो पूर्ण संख्या के रूप में है, तो इसका मतलब कि यह बहुपद है, ठीक है, यह बहुपद की एक पहचान है, ठीक है। हालांकि इसको अभी हम लोग डिटेल में बहुपद की पहचान को पढ़ेंगे, तो यह एक बहुपद भी है और एक भाई कई पदों का योग है, तो यह व्यंजक भी है। तो इसमें कुल कितने पद है भाई, कुल कितने पद है, तो देखो ये आपका 3x स्क्वायर या 3x बोल लो, ये पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद और ये भी एक, यानी कुल 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं, क्लियर मेरे भाई। कुल चर पद कितने हैं, यानी कुल चर पद कितने हैं, चर पद की हमें संख्या बतानी है, तो देखो 3x यानी यहाँ पे x है, ठीक है, 8x यहाँ पे x है, तो कुल चर पद कितने हैं भाई, यानी चर के साथ, तो कुल 2 चर पद हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कुल अचर पद बताना है, कुल अचर पद यानी केवल अचर यहाँ पे, ठीक है, तो जिसके साथ मतलब चर ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखो केवल अकेले में यहाँ अचर पद 1, 5 है, 5 क्या होता है, अचर होता है, ठीक है, जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, तो यहाँ पे एक अचर पद है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर चर पद कहे तो उसके साथ अगर अचर पद आ जाए तो उसको भी हम लोग चर पद कहेंगे, जैसे 3x आ गया तो इसको हम लोग क्या गिनेंगे, इसको चर ही गिनेंगे, इसको भी हम लोग चर ही गिनेंगे, लेकिन अचर के लिए उसके साथ चर नहीं रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए अचर, ठीक है। कहो कि यहाँ 3 तो आपका अचर है और ये x केवल चर है, तो इसको हम लोग पूरे पद को हम लोग चर पद ही मानेंगे, क्लियर। तो यही यहाँ पे अंतर होता है और इसको लड़के पहचान नहीं पाते हैं और एग्जाम में गलती कर कर आ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं लिख दूं कि 3x कैसा पद है, चर पद है कि अचर पद, तो आप कहोगे कि यह चर पद है, ठीक है, लेकिन केवल वहीं पे x रहे तो ये आपका ये भी चर पद है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं 5 रहे तो ये आपका अचर पद है, अचर पद, समझ गए मेरे भाई फंडा यहाँ पे क्या है फंडा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में दे देगा तो आप उल्लू बन जाओगे अगर नहीं जानते हो तो, ठीक। अब देखो बहुपद की घात की यहाँ पे बारी आती है, बहुपद की घात, तो देखो बहुपद की घात क्या होती है, यहाँ बहुपद की घात चूंकि देखो यहाँ पे 2 है,
ठीक है, तो इसको मैं दो डायरेक्ट लिख देता हूं। हालांकि इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बहुपद की क्या होती है कि किसी भी बहुपद में जो चर राशि होती है, जितनी भी चर राशि होती है, उस चर राशि में देखते हैं कि मैक्सिमम घात कितनी है। जैसे यहाँ पे दो घात है और यहाँ पे चर की एक घात है, दो चर है और एक की एक घात है, एक की दो घात है, तो मैक्सिमम घात यहाँ पे है, तो इसलिए चर का घातांक, यानी जो ये चर का यहाँ पे जो घातांक है, यही बहुपद की मैक्सिमम चर की घातांक है, जो है बहुपद की घात हो जाएगी, तो वो दो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होगे, ठीक है। हालांकि इसको चलो हम लोग अभी डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, एक मिनट, चलो जगह नहीं आगे तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको मिटाना नहीं चाहिए। चलो तो कहाँ मैं आपको समझाऊं यार, यहीं पे रुक जाओ एक और, यहीं पे रुक जाओ एक मिनट, ये दूसरा पेज है ना हम लोग का, नहीं ये हम लोग का चौथा पेज था। यहाँ पे मैं एक मिनट एक नया पेज ले लेता हूँ, भाई आ जा, दिक्कत कर रहा है, एक मिनट, सॉरी, रुक जाओ यार। चलो ले लिया क्या, ओके आ गया, चलो एक मिनट रुक जाओ, यार लैपटॉप दिक्कत कर रहा है थोड़ा। चलो अब इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझते हैं। एक मिनट, इस पूरे को मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इसका एक अलग सा पेज बना दिया हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे अब देखो बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। बहुपद की पहचान सीधे सीधे आप लोग यहाँ पे, यार बहुपद की पहचान सीधे सीधे एक चीज मैं लिखता हूं कि जो चर का घातांक हो बहुपद में, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं बहुपद की पहचान किस कैसे करेंगे, तो किसी बहुपद में, किसी बहुपद में, बहुपद में चर का घातांक, ठीक है, चर का घातांक यानी चर की जो घात है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, चर का घातांक एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, ठीक है, तभी वह बहुपद होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो जैसे यहां एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एक शब्द आया, तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या, ठीक है, होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई, पूर्ण संख्या जैसे आपका एक दो तीन चार, ये क्या हो गई, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, जीरो को भी हम लोग ले सकते हैं, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः आगे जितना भी आप चले जाओ, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक। तो चलो अब यहाँ पे जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, आप बताना कि यह बहुपद है कि नहीं है। पहला आप बताओ क्या 3x टू द पावर माइनस दो प्लस 8x प्लस 5, क्या यह बहुपद नहीं है कि नहीं है, बताओ। दूसरा मैं देता हूं आपको 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, चलो बताओ इसमें से कौन बहुपद है कौन नहीं है। पहला दूसरा हो गया, तीसरा देखो, तीसरा मैं देता हूं आपको 3x टू द पावर 1/2, ठीक है, ये 1/2 यानी 1/2 है, ठीक है, यार ये गाँव जमाव ज्यादा हो गया, एक मिनट, 3x टू द पावर 1/2 प्लस 2x प्लस 2, चलो इसको बताओ यह बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, कौन इसमें से बहुपद है कौन नहीं है। चौथा देता हूं, ये तीसरा हो गया, चौथा देता हूं 2x प्लस वाई, दो इतना ही केवल ले लो, उसके बाद कुछ यहां पे देता हूं, पांचवा यहां पे लो, पांचवा मैं लिख देता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस रूट में x, ठीक है, प्लस 3, इसको बताओ यह बहुपद है कि नहीं है। उसके बाद पांचवे के बाद यहाँ छः नंबर देता हूँ, छः नंबर क्या है, छः नंबर मैं लिख देता हूँ कि रूट में 2 और एक्स स्क्वायर, देखो एक्स बाहर है, रूट में 2 एक्स स्क्वायर बाहर है, प्लस एक्स प्लस 3, चलो इतना ही देता हूं, इससे सारी चीजें क्लियर आपकी हो जाएंगी। इसमें से बताओ कौन बहुपद है, बहुपद और कौन बहुपद नहीं है। देखो
यहां पे देखो समझना, ध्यान से समझना। पहला देखो 3x, यहां जो चर है यहां पे देखो दो चर राशियां है, और हमने बहुपद की पहचान में क्या पढ़ा है, या बहुपद कौन होगा, किसी बहुपद में जो चर का घातांक होगा ठीक है, एक पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ चर यहाँ पे है और यहाँ पे, यहाँ पे घात कुछ नहीं है मतलब एक है ठीक है, और यहाँ पे देखो x घात माइनस दो है, तो चर का घात यहाँ पे माइनस दो है यानी माइनस है, और क्या माइनस दो पूर्ण संख्या के मतलब में आता है, नहीं आता है, निगेटिव संख्या नहीं आती है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, नहीं है बहुपद ठीक है। ठीक मेरे भाई, चलो पहला क्वेश्चन क्लियर, सेकंड पे चलते हैं। देखो अब देखो इसमें केवल आपको चर देखना है, मतलब इसमें अचर से मतलब नहीं है, ये अचर मतलब जो 3, 4, 5, 6 ये संख्या है इनसे कोई मतलब नहीं है आपको, चर से केवल मतलब है, चर को देखना है कि चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक चर पद है और यहाँ पे एक चर पद है ठीक है, दो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक्स घात कुछ नहीं है तो एक है, और एक्स घात यहाँ पे दो है, तो यहाँ चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में है ठीक है, तो पूर्ण संख्या के रूप में है तो ये आपका बहुपद है, यह बहुपद आपका है क्लियर। अब देखो यहाँ पे x घात 1/2 लिखा है, और x घात कुछ नहीं तो एक है, और घात में यहाँ पे 1/2 लिखा है, बट्टे के रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में लिखा है, तो भी यहाँ पे आपका ये बहुपद नहीं होगा ठीक है। या घात यहाँ पे भिन्न के रूप में दे दे, या घात यहाँ दशमलव के रूप में दे दे, जैसे 3.5 यानी 35/10 आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स घाते 35/10 ठीक है, तो ये भी आपका ऐसा भी कहीं दे दे तो वो बहुपद नहीं होगा ठीक है। चलो अब देखो यहाँ 2x + y दिया है भाई, यहाँ पे एक आपका चर है और यहाँ पे इसका घात कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यानी ये भी आपका बहुपद है ठीक है, क्योंकि घात एक पूर्ण संख्या के रूप में है। सिंपल यहाँ देखो 2x² √x + 3 लिखा है, अब देखो यहाँ पे x² ये तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे घात ठीक है एक पूर्ण संख्या के रूप में है, यहाँ पे रूट में x लिखा है, क्योंकि यहाँ पे रूट में x लिखा है तो यहाँ घात भाई एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, रूट एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, रूट हमें हटाना पड़ेगा, और अगर हम लोग रूट हटाते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको देखो, अगर मैं रूट हटाता हूँ यानी रूट में एक्स है तो ये रूट हटाते हैं तो एक्स घात 1/2 हो जाता है ठीक है। या देखो रूट में कोई भी संख्या लिखा रहे, यहाँ पे 3 लिखने का मतलब कि इसका क्यूब निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का मतलब कि आगे 2 ऑलरेडी होता है, जैसे रूट में हम लोग जैसे 4 लिखते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 होता है ठीक है, यानी इसका वर्गमूल निकालना होता है, समझ गए आप। तो यहाँ पे देखो रूट में एक्स है तो उसका एक्स घात 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे 3 है तो इसको एक्स घात 1/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी चर पद अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो इसका मतलब कि उसका घात भिन्न के रूप में होगा, और भिन्न के रूप में होगा तो सिंपल है कि वह बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका नहीं है, बहुपद नहीं है ठीक है। और यहाँ पे देखो रूट में 2 और एक्स स्क्वायर बाहर है, तो रूट में 2 ये है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एक्स केवल इसको देखना है ठीक है, तो एक्स यहाँ पे घात में 2 है और यहाँ घात कुछ नहीं तो एक है, तो ये आपका बहुपद है। तो इतनी चीजें समझ गए, बस इतनी चीजें समझ गए तो आशा करता हूं आप सारी चीजें समझ गए ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब पहचानने में बहुपद। एक और मैं देता हूं, चलो थोड़ा एक और देता हूं, आप इसको बताना, क्या 1/2 x² + 2y + 3 यह बहुपद है कि नहीं है बताओ। तो आप कहोगे है, बिल्कुल है बहुपद है, 100% है ठीक है, 100% ये 7 नंबर ले लो ठीक है, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि x घात यहाँ पे 2 है और यहाँ y है तो इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, तो ये बहुपद है सिंपल, इसके बट्टे से कोई हमें मतलब नहीं है। और कहीं ऐसा दे दे, ये आप 8वां लिख लो इसको, 8वां ठीक है, 8 नंबर लिख लो, कहीं आपको ऐसा दे दे जैसे x मैं कैसा दूं, इसको बनाकर देना पड़ेगा यार, सोचने दो थोड़ा एक मिनट, चलो इतना कठिन मुझे नहीं लगता कि आएगा, इतनी चीजें आपकी काफी है, इतनी चीजें हालांकि चलो मैं लिख ही देता हूं एक मिनट, देखो कहीं लिख दे आपको ठीक है, ऐसे लिख दे आपको कि 1/x² + 2x + 3 ये बहुपद है कि नहीं है ये बताओ, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना कठिन तो नहीं आएगा जहां तक मुझे आशा है।
ठीक है। चलो एक नया पेज ही ले लेता हूँ, एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूँ और एक नया पेज ले लेता हूँ, एक मिनट। चलो रुक जाओ, ये पांचवा है ना, पांचवा पेज, रुक जाओ, एक नया पेज ले लेता हूँ। बन जाए यार, दिक्कत कर रहा है लैपटॉप, थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बिजी बता रहा है, रुक जाओ एक मिनट यार, हो जाना, दिक्कत क्यों कर रहा है, सॉरी, रुक जाओ यार। अरे यार, ओके चलो एक नया पेज मैं बना लिया हूँ, ठीक है। नए पेज पे तो बना लिया हूँ, तो इसको इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पीछे एक पेज पे है, ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। और अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे एक चीज मैं लिखता हूँ, इसको बताना कि यह बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, इसको बताना कि यह बहुपद है कि नहीं है। मैं लिख देता हूँ वन बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस दो एक्स प्लस तीन, बताओ, ये आपका आठवां हो गया, ठीक है, सातवा, मतलब सात उधर थे प्रश्न, ये आठवां हो गया, यह बहुपद है कि नहीं है, आप बताओ। आपको कि भाई एक चर यहाँ पे है और आपका ये एक चर यहाँ पे है और दोनों का घात मतलब ठीक है, एक पूर्ण संख्या के रूप में है, तो ये चर है, लेकिन मतलब सॉरी बहुपद है, तो आप गलत हो जाओगे, ये बहुपद नहीं है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये वन बटे एक्स स्क्वायर ये बट्टे के रूप में है, ठीक है, वन बटे में एक्स स्क्वायर ये बट्टे के रूप में है, ये ऊपर जाएगा ना, एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन गुणे एक्स की घात माइनस दो हो जाएगा, ठीक है, या अगर कोई घात ऊपर मतलब रहती है वो नीचे आती है तो कुछ इस प्रकार हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये आपकी दिक्कत वाली चीज हो गई भाई, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये एक में अब गुणा होकर एक्स घाते माइनस दो हो जाएगा, तो इसका इसका वन बाई एक्स का मतलब क्या कि एक्स घाते माइनस दो, तो एक्स घात माइनस दो हो गया, तो क्या यह बहुपद होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यहां से आप पहचान गए। तो अगर कोई मतलब अचर पद, ठीक है, सॉरी मतलब ऊपर अचर पद हो या कोई भी पद हो, नीचे चर पद लिखा हो, ठीक है, तो फिर इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दो बटे आपका एक्स लिख दे प्लस तीन लिख दे, तो बताओ ये बहुपद है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका फंडा है, ठीक है, दो तो ठीक है, ये एक्स घात नीचे कुछ नहीं है मतलब एक है, और जब ऊपर जाएगा तो एक्स घात माइनस वन हो जाएगा, इसका मतलब ये टू एक्स टू दी पावर माइनस वन हो गया और माइनस यहाँ पे घात हो गई, तो ये बहुपद नहीं होगा, सिंपल, मतलब किसी पद में जुड़ेगा तो ये बहुपद नहीं होगा, सिंपल। तो समझ गए बहुपद, इससे आगे आप आपके एग्जाम में नहीं जाएगा भाई, ये सबसे मतलब कठिन वाला लेवल है, ये सबसे कठिन वाला लेवल है, ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है। तो मैं सारी की सारी चीजें बता दी, बहुपद की पहचान आप कैसे करोगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं यहाँ पे आगे चीज है कि ये रैखिक बहुपद क्या होता है। अब तक तो हम लोगों ने बहुत बहुपद देखा, बहुपद को पहचाना, ठीक है, ये रैखिक बहुपद क्या होता है। देखो रैखिक बहुपद, या इसको हम लोग नॉर्मल जैसे एक घात वाला बहुपद भी बोल सकते हैं, एक एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद इसको बोल सकते हैं, या इसको हम लोग एक घातीय भी बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं कि 2x प्लस वाई पहला हो गया, यह क्या है, यह एक रैखिक बहुपद है या एक घातीय बहुपद वाला है। देखो इसमें आपकी बहुपद की घात क्या है, एक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक घात एक है और यहाँ पे भी घात एक है, ठीक है, तो ये बहुपद की घात एक है, तो इसलिए आपका ये रैखिक बहुपद हो गया जाएगा। हालांकि इसका मानक रूप देखो, यहाँ पे मैं मानक रूप लिखता हूँ, एक मिनट, रैखिक बहुपद का मानक अगर मैं रूप यहाँ पे लिखूं तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप यानी एक घात वाला जो बहुपद होता है, इसका मानक रूप देखो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो रैखिक बहुपद का मानक रूप 2x, मतलब सीधे फॉर्म में लिखूं या फिर कैसे लिखूं यार, समझ नहीं आ रहा है, संख्या के रूप में लिखूं या फिर चलो संख्या के रूप में ही लिख देता हूं, 2x प्लस 3, ठीक है, चलो यहाँ यहाँ ये ठीक है, इसको कैलकुलेट कर इसका शून्यक भी निकाल दूंगा इससे, ठीक, चलो ये क्या है, ऐसा मतलब
एक यहाँ पे चर पद हो गया, एक अचर पद के साथ ये जुड़ा रहता है। ये आपका ऐसा कुछ मानक रूप होता है, ठीक है, मानक रूप ऐसा ही इसका होता है, ठीक है। चलो तो अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका मतलब सिंपल कहने का मतलब कि जिसमें आपका चर का घात एक हो वह आपका एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद कहा जाएगा, ठीक है। और अधिकांशतः तो वो इसी फॉर्म में इसी तरह लिखा होता है, ठीक है। अब इसका अगर हमें शून्यक निकालना हो, शून्यक निकालना हो तो क्या करोगे, शून्यक के लिए इसको जीरो के बराबर करोगे, तो 2x प्लस 3y बराबर जीरो करोगे, तो यहाँ से अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे गुणा है तो उधर जाकर बट्टा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालोगे ये भी पता चल गया, और ये आपका पहला था। कोई एक और मैं रैखिक बहुपद लेता हूँ, जैसे दूसरा मैं रैखिक बहुपद लेता हूँ, जैसे रूट में 3 ले लेता हूँ, रूट में 3 और x, देखो x बाहर है, और प्लस 5 ले लेता हूँ, ठीक। अब इसका शून्यक हमें बताना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है, साथ में हम लोग शून्यक, शून्यक को हम लोग इसको मूल भी कहते हैं, शून्यक को हम लोग मूल भी कहते हैं, यानी समीकरण मतलब जो भी बहुपद होता है उसको हल करने पे जो उसका मान आता है वो शून्यक होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये बहुपद है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि x घात में 1 है, और यह कैसा बहुपद है भाई, तो यह रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ बहुपद की घात 1 है, ठीक है, x की घात में 1 है, मतलब एक घात वाला बहुपद, और x की घात 2 रहता है तो 2 घात वाला बहुपद 3 रहता था, 3 घात वाला बहुपद 4 रहता था, मतलब 4 घात वाला बहुपद। अब देखो इसका शून्यक निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर करेंगे, तो रूट 3 इंटू एक्स है, ठीक है, प्लस 5 बराबर जीरो, तो यहाँ रूट 3x बराबर माइनस 5, तो x बराबर माइनस 5, और ये रूट x के साथ गुणा है तो इधर जाकर बट्टे में हो जाएगा रूट 3, यानी आपका ये शून्यक आ गया यहाँ पे माइनस 5 बट्टे में रूट 3। तो ऐसे आप रैखिक बहुपद का शून्यक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यक इसलिए बता दिया क्योंकि आगे अब रैखिक बहुपद आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल चीज है, और इससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि रूट 3x रूट 3 इंटू एक्स प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए, और आपको और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक। बस इतना आपसे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आई थिंक इसको आप कर लोगे। तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है, यानी एक घात वाला बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद, यानी 2 घात वाला बहुपद हम लोग देखते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोग आगे भी पढ़ोगे, और मतलब 10 में भी पढ़ोगे, क्लास 10th में भी, और आगे भी जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो यही पढ़ोगे, यही आपको मिलेगा, मतलब आपका समझ जाओ कि 99% यही है, ठीक है, द्विघात बहुपद। चलो, या फिर आगे चलकर आप द्विघात समीकरण पढ़ोगे तो द्विघात वाली चीजें ज्यादा पढ़ोगे, ना कि एक घात वाला और 3 घात वाला, ठीक। अब देखो इसमें आपका क्या होता है, इसमें इसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ज्यादातर कहने का मतलब कि इसमें जो आपको दिया रहेगा बहुपद इसी टाइप में होगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पे सी का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद, जैसे यहाँ पे 7 हो गया, तो इस रूप में ज्यादातर चीजें मिलेंगी। हालांकि 2x स्क्वायर प्लस 5 ये भी आपका एक द्विघात बहुपद है, ये भी आपका क्या है, ये भी द्विघात बहुपद है, बहुपद है, और ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है, क्यों, क्योंकि यहाँ चर का मैक्सिमम घात यहाँ पे 2 है, तो ये 2 घात वाला बहुपद, तो द्विघात बहुपद, कहने का मतलब कि जिसकी घात 2 हो या 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन ज्यादातर द्विघात बहुपद आपको इसी फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया कि ये आप इसका मानक रूप है, मतलब अधिकांश ऐसे ही मिलेंगे आपको, हालांकि ये भी आपका द्विघात बहुपद है, ठीक है। चलो, तो ये द्विघात बहुपद क्लियर। अब देखो इसका शून्यक, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसको हल कर ज्ञात किया जाता है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप हल करोगे, ठीक है, तब इसके आपके शून्यक निकल कर आएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब इसको हल करोगे तो इसका कैसे हल करोगे, देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये मतलब एक गुणनखंड इसका मतलब करना पड़ेगा आपको, गुणनखंड कर इसको हल करोगे और निकालोगे, तो इसका हम लोग जो प्रश्नावली 2.1 के बाद 2.2 है उसमें डिटेल में इसका पूरा का पूरा द्विघात बहुपद पे ही रिलेटेड है प्रश्नावली 2.2, तो उसमें शून्यक निकालना समझेंगे और शून्यकों के बीच के संबंधों को भी उस प्रश्नावली में हम लोग समझेंगे, बाकी अभी हम लोग यहीं मतलब यहाँ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो, आगे हम लोग थोड़ा त्रिघात बहुपद समझ लेते हैं, त्रिघात बहुपद यानी 3 घात वाला बहुपद
त्रिघात बहुपद कहने का मतलब क्या कि जिसमें तीन घात हो भैया तो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका 2 - x³ हो गया, पहला हो गया, दूसरा मैं लिख देता हूँ 2x³ + 2x² + 2x + 5। चलो अब देखो ये पूरा का पूरा कई पद है, कई पदों का योग है यहाँ पे, तो ये आपका एक मतलब द्विजीय व्यंजक तो ऐसा ही है, बहुपद है कि नहीं है तो इसको पहचानने के लिए भाई जो चर है उसका घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। तो हर जगह देखो x का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में है तो बहुपद भी है, और बहुपद में कैसा बहुपद है, एक घात वाला, दो घात वाला, तीन घात वाला, तो इसमें देखो जितनी भी चर है, ठीक है, जितने भी चर है उनकी मैक्सिमम घात कहाँ है, तो यहाँ पे तीन है, तो ये तीन घात वाला बहुपद कहलाएगा, तीन घात वाला बहुपद, त्रिघातीय बहुपद एक तरह से बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे पूछ दे कि बहुपद की घात कितनी होगी, तो बहुपद की घात तीन होगी, मैक्सिमम घात वाला ही बताओगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि 2x² + 2y + 3 में बहुपद की घात होगी, में बहुपद की घात होगी कितनी होगी भाई, और आपको ऑप्शन दे देगा 2, 1, 3, 4 आपका शून्य। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, देखो चर पद यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक है घात और यहाँ पे दो है, तो मैक्सिमम घात वाली लोगे तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, ठीक है। चलो तो त्रिघात बहुपद भी आपको क्लियर, तो यहाँ पे बहुपद की घात हमें बतानी थी, तो चलो लिख ही देता हूं कि किसी बहुपद में, बहुपद में चर की, चर राशि की अधिकतम, अधिकतम घात बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती है या फिर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं कि 2x³ + 2x⁵ + 3x + 2, इसमें बहुपद की घात बताना है, तो इसमें आपकी बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा भाई, देख लो यहाँ पे चर है, यहाँ पे चर है, यहाँ पे चर है, मैक्सिमम घात यहाँ 5 वाला है, तो ये आपकी बहुपद की घात 5 हो जाएगा, सिंपल ये इसका आंसर हो गया। तो बहुपद की घात भी आप समझ गए, सारी चीजें समझ गए, बस काम खत्म, बस इतना ही बहुपद में आपको समझना है, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये प्रश्नावली को तो मैं आपको पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, आप सब मतलब इसको तो पहले ही जान गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं एक और सवाल को बता देता हूँ यहाँ पे, केवल एक को ही बताऊंगा क्योंकि मैं पहले ही ये बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि आपको ऐसे एक मतलब फिगर दे देगा या ग्राफ दे देगा, और ग्राफ में कहेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फिगर दे देगा और शून्यकों की संख्या पूछेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि एक शून्यक है, दो शून्यक है, तीन, चार, ऑप्शन जो भी दिया रहे, तो उसमें से आपको छांटना होगा। तो इसमें कैसे देखोगे, तो ये देखो इसमें ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को कोई लाइन या कोई कर्व कितनी बार काट रही है उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे ये लाइन जा रही है, और देखो यहाँ एक बार यहाँ एक्स अक्ष को काट रही है, और यहाँ वाई अक्ष को भी एक बार काट रही है, लेकिन वाई अक्ष से हमें मतलब नहीं है, इससे मतलब है, तो यहाँ एक आपका शून्यक हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक बार काट रही है, यहाँ पे एक बार दो शून्यक हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह आप अपना प्रश्नावली कर लेना, बाकी इसको तो शुरू में करा ही दिया था। तो इस प्रकार हम लोग की जो ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1 और इसके सारे के सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन, और उसके साथ साथ सारा का सारा बहुपद का कॉन्सेप्ट भी हमने इस वीडियो में समझा, काफी शानदार ये वीडियो आई थिंक मेरे हिसाब से थी। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।